क्वेश्चन है, आठ रेन ड्रॉप्स हैं, एक का रेडियस 1 mm है छोटे ड्रॉप का, एंड कंबाइन हो जाते हैं नीचे गिरते गिरते एक सिंगल ड्रॉप बना लेता है, तो कंबाइन टू फॉर्म, इसका मतलब कंबाइन है टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, और एक छोटे ड्रॉप के टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 5 cm/s, जब कंबाइन हो गए तो बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है ये बताओ। जब भी ड्रॉप्स कंबाइन हो, सबसे पहली चीज़ उनका वॉल्यूम इक्वेट कर दो ताकि रेडियस का रेशियो आ जाए, तो 8 ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, इक्वेट किया कैपिटल आर 2R, छोटा आर 1 mm है तो बड़ा आर 2 mm है, रेडियस पता लग गया। टर्मिनल का फॉर्मूला लिखो, टर्मिनल के फॉर्मूले में पहली डेंसिटी बॉडी की होती है, कौन गिर रहा है, पानी का ड्रॉप, तो बॉडी कौन है, पानी का ड्रॉप, तो पहली डेंसिटी वाटर की किसमें गिर रहा है, मीडियम कौन है, एयर, पानी में तो गिरेगा नहीं, एयर में गिर रहा है, तो एयर में गिर रहा है तो दूसरी डेंसिटी मीडियम की किसकी, एयर की। समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे होगा, मैंने डेरिवेशन में लिखवाया था फर्स्ट डेंसिटी बॉडी की, दूसरी डेंसिटी मीडियम की, तो बॉडी की डेंसिटी यानी कि वाटर की डेंसिटी और मीडियम की डेंसिटी यानी कि एयर की डेंसिटी, तो इक्वेट कर दी। तो चाहे बड़ा ड्रॉप गिरे चाहे छोटा गिरे, डेंसिटी वाला पार्ट सेम रहेगा, ईटा सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, 2/9 सेम रहेगा, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। छोटे ड्रॉप के लिए रेडियस 1 mm है और वेलोसिटी टर्मिनल 5 है, दूसरे ड्रॉप के लिए रेडियस 2 mm है और वेलोसिटी कितनी है, VT है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो VT की वैल्यू कितनी आएगी, 20। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि टर्मिनल वेलोसिटी बड़े ड्रॉप की कैसे निकलेगी 20, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, चलें, प्लेट ऑफ मेटल 100 cm² इन एरिया, एक प्लेट 100 cm² का एरिया, रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल, तो किसी ऑयल के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है, जैसे ये टेबल है, मैंने टेबल के ऊपर ऑयल गिर दिया, ये रहा ये ऑयल है, टेबल के ऊपर ऑयल गिर दिया, इसके ऊपर मैंने प्लेट को बिछा दिया, ये प्लेट है, ठीक हो गया, ऑयल के ऊपर प्लेट है, प्लेट का एरिया ए आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 cm², तो कैस्टर ऑयल ऑफ 2 mm थिक, 2 mm थिक का मतलब ये थिकनेस कितनी है, ये 2 mm है, सही। नेक्स्ट है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा चलो गिवन है, पॉइस सीजीएस यूनिट है, सब कुछ सीजीएस में करेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस है, कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 cm/s। अब मैं इसे खींचना चाहता हूँ और मुझे क्या निकालनी है, फोर्स, और मैं कितनी स्पीड से खींचना चाहता हूँ, मैं खींचना चाहता हूँ 3 cm/s। क्वेश्चन क्लियर है, अगर मैं इसे खींचना चाहता हूँ तो कौन रोक रहा है मुझे, ऑयल, ऑयल और ऑयल की फ्रिक्शन, तो ये है तो तेल के ऊपर पड़ा हुआ, ऑयल की फ्रिक्शन यानी कि लिक्विड की फ्रिक्शन, लिक्विड की फ्रिक्शन कहाँ पर एक्ट करेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे, और कितनी करेगी, इतनी करेगी, हमने किया फॉर्मूला ईटा 8 dV/dx, तो इतनी करेगी, तो अगर मैं भी इतने मैग्नीट्यूड की फोर्स आगे लगा दूं तो प्लेट मेरे हाथ से खिसक जाएगी, और इतनी ही लगाना फोर्स ताकि आगे और पीछे की फोर्स जब बराबर हो जाए तो देर इज नो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या रहेगी प्लेट की, कॉन्स्टेंट। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, कोई डाउट इसमें, तो इसका मतलब मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करना है, कैसे पुट करना है ध्यान से देखना, ईटा गिवन है 15.5 पुट कर लिया, एरिया गिवन है 100 पुट कर दिया, डीएक्स क्या चीज़ है, डीएक्स है लेयर, और ये जो लेयर की थिकनेस गिवन है यही डीएक्स है 2 mm, तो 0.2 cm पुट कर लिया, डीवी इंपॉर्टेंट है, डीवी का मतलब होता है दो लेयर के बीच में वेलोसिटी का अंतर, और डीएक्स का मतलब ही होता है दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में डिफरेंस, मैंने जो पहली लेयर ली वो ये ली टॉप की लेयर जो इस प्लेट के साथ लगती है, पहली लेयर ऑयल की, और दूसरी ली जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ चिपकी हुई है, ये ली, तो पहली लेयर ली मैंने ऊपर प्लेट के साथ और दूसरी लेयर कहाँ ली, ग्राउंड टेबल के साथ, तो दोनों में अंतर कितना है, डीएक्स का, तो डीएक्स कितना है 2 mm, पुट कर दिया। अब जो
ये प्लेट चलेगी, ये प्लेट की वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो टॉप की लेयर की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बॉटम तो मूव ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो नीचे है, मूव तो प्लेट को करवाना है, नीचे का ऑयल रेस्ट पे रहेगा, नीचे की वेलोसिटी वैसे मिनिमम होती है, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। तो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आएगा इनमें, वेलोसिटी का डिफरेंस है 3 माइनस 0 3, तो 3 माइनस 0 3, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक। तो इस केस में फोर्स का फॉर्मूला, ईटा पता है, ए पता है, तो डी वी क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 3, और डी एक्स आपने पुट कर लिया, आंसर डाइंस में आंसर आएगा। कैसे यूज करना है फॉर्मूला, क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो मिलता जुलता क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन सेम है, इस क्वेश्चन में एक मेटल प्लेट है जिसका आपको एरिया गिवन है 0.10 मीटर स्क्वायर, तो मेटल प्लेट का एरिया यानी कि ये वाला एरिया आपको दे दिया उसने, आगे कनेक्टेड टू 0.01 kg, ये भी दे दिया ताकि ये नीचे गिरेगा, स्ट्रिंग दैट पासेज ऑन द पुली अ लिक्विड विद अ फिल्म थिकनेस ऑफ, तो यहाँ पर एक लिक्विड है ये रहा, इसकी आपको थिकनेस वो डी एक्स भी दे रहा है, तो ये क्या गिवन है, ये डी एक्स गिवन है, ये भी दे दिया। बिटवीन प्लेट एंड दी टेबल वैन रिलीज द प्लेट मूव राइट विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ, तो आपको इसकी कॉन्स्टेंट स्पीड दे दी 0.085 मीटर पर सेकेंड, तो क्या निकालना है इसमें, फाइंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्या, ईटा ए डी वी बाय डी एक्स। इस क्वेश्चन में फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या पता है, इसका वेट, क्योंकि ये मूव करवा रहा है, ये कितने इस फोर्स से मूव करवा रहा है, तो यही क्या डेवलप हो जाएगी इसमें, टेंशन टी। अब टेंशन दिस माइनस टी इज इक्वल टू एम ए मत लगाना, बिकॉज ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टी इज इक्वल टू 0.01 g, तो फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0.01 g, ये पुट करेंगे। ईटा आपको निकालना है, एरिया आपको गिवन है, डी वी क्या यूज करेंगे, उसने कहा इस प्लेट की वेलोसिटी मुझे पता है और लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या ली जाती है, जीरो, तो डी वी क्या होगा, 0.085 माइनस 0, तो डी वी वही हो जाएगा 0.085, और डी एक्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.3 mm, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व करना, ईटा कैन बी कैलकुलेटेड, तो यही पुट किया, ईटा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है? तो ये तो एक टाइप के न्यूमेरिकल है जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट की जाती है दो लेयर्स के बीच में। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो पाइप्स का है, पॉइसनस फॉर्मूला, जो पाइप्स हैं वो सीरीज में है, पाइप्स पैरेलल में है, तो पाइप्स सीरीज और पैरेलल से पहले मैं याद दिला दूं आपको, एक कॉन्सेप्ट आता है सीरीज पैरेलल का इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में ये सिखाया जाता है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, करंट को लेके, कि अगर मान लो दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो करंट की वैल्यू दोनों के अंदर क्या एग्जैक्टली सेम, करंट होता क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम दोनों में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में डिफर करता है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस रहेगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो I की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, कांस्टेंट, ये हमने किया हुआ है, सुना हुआ है आपने। अगर यही चीज पैरेलल में हो तो पैरेलल में इस जंक्शन और इस जंक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली सेम, तो पैरेलल में जो करंट आता है वो डिवाइड हो जाता है I1 और I2 में, तो करंट I1 प्लस I2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या रहता है, सेम, तो सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पर करंट डिवाइड हो जाता है, याद हो गया?
अब ये कॉन्सेप्ट पाइप्स पे लगेगा, पॉइसलीज फॉर्मूला। पॉइसलीज फॉर्मूला क्या था कि अगर ये P1 है ये P2 है तो प्रेशर का डिफरेंस दोनों इस दोनों एंड्स के अक्रॉस डेल्टा पी क्या है, P1 - P2। तो पॉइसलीज फॉर्मूला क्या कहता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड π/8, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर डेल्टा पी, R^4 ईटा L। ये टर्म आ गई। एक काम करो, डेल्टा पी न्यूमिनेटर में π/R^4 ऊपर की जगह नीचे ले आओ तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये टर्म क्या है, प्रेशर डिफरेंस। तो ये टर्म क्या होती है, लिक्विड रेजिस्टेंस। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया, आपने ओम लॉ सुना होगा, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सुना हुआ है। और करंट होता क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ये करंट है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज अपॉन टाइम होता है, लिक्विड्स के चैप्टर में वो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड होता है। तो वॉल्यूम उसमें चार्ज अपॉन पर सेकेंड है, इसमें वॉल्यूम अपॉन पर सेकेंड है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें वाटर करंट है, ये लिक्विड करंट है। आपने सुना होगा रिवर का करंट बहुत तेज है, यानी कि एक सेकेंड में ज़्यादा पानी बह रहा है रिवर में, अब बह जाओगे साथ में। या सी का करंट बहुत तेज है, एक सेकेंड में बहुत ज़्यादा लहरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पानी लेके आ रही हैं। तो समझ में आ रहा है लिक्विड करंट क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ये आपके पास ये क्या आ गया, करंट है, लिक्विड करंट है। लिक्विड करंट इज इक्वल टू, अच्छा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। सिमिलरली लिक्विड करंट क्या होता है, जो काम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस करता है वो काम इसमें कौन करता है, प्रेशर डिफरेंस करता है। प्रेशर डिफरेंस अपॉन उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, इसमें लिक्विड रेजिस्टेंस होती है। तो ओम लॉ से कंपेयर करके ये फॉर्मूला आ गया किसका, लिक्विड की रेजिस्टेंस का। अगर ऑब्जेक्टिव में काम आए तो एटलीस्ट पता होना चाहिए लिक्विड रेजिस्टेंस कहाँ से आई। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका, राइट, क्लियर है, काम आएगी तब की तब देखेंगे। असली चीज क्या है, जो काम की चीज है, लिक्विड रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। विस्कोसिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि अंदर के इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, बस मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल को खींचा। लिक्विड की रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड तो करती है, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके। तो कंपैरिजन करके हम इसको निकाल सकते हैं, यूज कम करते हैं, यूज ये करते हैं। अगर पाइप सीरीज में है, अगर पाइप सीरीज में है तो ये बड़ी पाइप के बाद छोटी पाइप आ गई, एक के बाद एक पाइप को सीरीज बोलते हैं। तो मान लो इस एंड और इस एंड का प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा P1 है और इस एंड का प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा P2 है। तो याद रखना सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है और ऐसी सीरीज में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम रहता है, पाइप्स के अंदर वाटर करंट सेम रहता है। अगर दो पाइप्स आपकी किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू दोनों पाइप्स में एक्जैक्टली क्या रहेंगी, सेम। तो ये देखो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है लेकिन प्रेशर डिफरेंस दोनों में डिफर करेगा। याद रहेगा यहाँ तक ये रिजल्ट, ठीक है यहाँ तक। अगर ये पैरेलल में है, ये डायग्राम ऐसा लगता है कि एक पाइप ऊपर चली गई, नहीं ऊपर नहीं गई, ये ग्राउंड के ऊपर है, एक पाइप आई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, इसके फोटो खींच के वर्टिकल ऐसे दिखा दिया। तो एक्चुअल में टेबल का टॉप व्यू है ये, तो ये वर्टिकल नहीं है पाइप्स, ये टेबल के ऊपर बिछी हुई हैं दो पाइप्स, क्लियर है यहाँ तक। तो टेबल के ऊपर दो पाइप्स हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जैसे सपोज करो आपके पास दो पाइप्स हैं, सपोज ये एक पाइप है, सपोज ये दूसरी पाइप है, ये लो। तो ये टॉप व्यू है, तो एक पाइप आ रही है, दो पाइप में स्प्लिट होकर इकट्ठी हो गई। मान लो इस जंक्शन का प्रेशर है P1 और इस जंक्शन का प्रेशर है P2, तो प्रेशर डिफरेंस पहली पाइप के क्रॉस क्या है, P1 - P2, और दूसरी के क्रॉस भी क्या है, P1 - P2। तो डेल्टा, तभी तो बोलते हैं पैरेलल के अंदर डेल्टा पी की वैल्यू दोनों पाइप में एग्जैक्टली क्या हो जाती है, सेम। सही है, प्रेशर डिफरेंस सेम है पैरेलल में, जैसे रेजिस्टेंसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। लेकिन जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आएगा यहाँ इस पाइप से, वो कुछ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड फर्स्ट पाइप में चला जाएगा और ऐसी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कुछ सेकेंड पाइप में चला जाएगा। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों पाइप्स का एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है, बस इसमें अधूरा डायग्राम है, थोड़ा आगे जाके कनेक्ट होंगी पाइप्स, पर आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे समझाया कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड डिवाइड हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस ये याद रखना, इसके बेस पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करें।
वो क्वेश्चन है, शो दैट इफ टू कैपलरीज ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू एंड लेंथ एल वन एल टू आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस प्रेशर हेड, प्रेशर हेड का मतलब प्रेशर का डिफरेंस पी, देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय दिस. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इसके इक्वल है. तो ये आपके सामने दो पाइप्स हैं, तो प्रेशर डिफरेंस एक में पी वन है एक में पी टू है. लेकिन ये तो गिवन ही नहीं है, ये तो मैंने लिया. टोटल प्रेशर डिफरेंस कितना गिवन है दोनों पाइप्स का? पी. उसने दोनों पाइप्स को पी के अंदर लगा दिया. अब मुझे पता है सीरीज में प्रेशर डिफरेंस वेरी करता है, तो पहली पाइप में होगा पी वन और दूसरी पाइप में होगा पी टू, एलिमिनेट करूंगा इन्हें. तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है, रेडियस एक का आर वन एक का आर टू. अब मुझे पता है पॉइसन फॉर्मूला वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड देगा और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों पाइप से सेम है. तो पहली पाइप का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू कितनी है? पाई बाई एट पी वन, पी वन आर वन फोर ईटा एल वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी वन निकाल लो, यहाँ पर पाई लगा लेना, करेक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पाई आएगा, तो ये पी वन आ गया. ऐसी दूसरी पाइप के लिए वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, वी तो इसमें भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी पाई लगा दो. तो आपने क्या निकाल लिया? पी वन और पी टू निकाल लिया, क्योंकि पी वन पी टू मिसिंग था ना. पी तो मुझे गिवन ही है, पी वन पी टू मैंने निकाल दिया और वी इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. एक काम करो, ये जो पी वन है उसको यहाँ पुट कर दो, ये जो पी टू है उसको यहाँ पुट कर दो. पी वन की जगह पी वन, पी टू की जगह पी टू. तो ये आपने यहाँ पर पुट कर लिया, पी वन की जगह पी वन, पी टू की जगह पी टू. यहाँ से कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. ये आपको प्रूफ करना है. पर कैसे सोचने आपने समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि सीरीज के अंदर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या रहती है? सेम. ठीक है आता? इसका करने का एक और तरीका भी है जो ऑब्जेक्टिव बुक्स काफ़ी यूज़ करती हैं, वो ये. आपको मैंने एक फॉर्मूला करवाया था लिक्विड रेजिस्टेंस का, अभी किया था ना. तो लिक्विड रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिसिटी की तरह फॉर्मूला लगा दो. क्या? कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर वन प्लस आर टू. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा रखा है, वो फॉर्मूला यहाँ पर पुट करते जब आंसर आ जाएगा. पर ये मुझे ज़्यादा ठीक लगता है कि सीरीज में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, तो वैसे ही उसमें फॉर्मूला याद करना पड़ता है, इसमें पॉइसन फॉर्मूला से आंसर आ जाता है. ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मेरे को. मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार फिर देखें. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज वी. वो कह रहे हैं एक ट्यूब है जिसमें रेट ऑफ फ्लो वी गिवन है, रेडियस आर है, लेंथ एल है. मैंने इमेजिन कर लिया प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट्स का क्रॉस पी है, लेना पड़ेगा ही, क्यों? पॉइसन फॉर्मूला लगाना है ना. तो वी का फॉर्मूला क्या होगा? पाई बाई एट पी आर फोर बाई ईटा एल. पी मैंने अपने मन से ज्यूम किया है, ये केस नंबर वन है. ठीक है यहाँ तक? क्या पॉइंट क्लियर है? केस नंबर वन क्लोज हो गया, ये गिवन है. फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, फिर से निकाल लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. एक में तो निकाल दिया, फिर से निकालो नई पाइप्स का. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. कब? जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्यूब्स ऑफ सेम लेंथ एल एंड रेडियस आर एंड आर बाई टू कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल. वो कह रहे हैं इसी प्रेशर डिफरेंस में, पहले आपने एक पाइप लगाई थी तो वी आंसर आया था, इसी के अंदर पी के अंदर ही अब कहते दो पाइप्स लगा दो, एक का रेडियस आर, एक का रेडियस आर बाई टू. बताओ इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा और अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ वी देना, और वी हमने कैलकुलेट किया हुआ है. तो अभी कह रहा हूँ कि अब सेकेंड केस में जब पाइप सीरीज में है, यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इन सीरीज इन टर्म्स ऑफ वी. क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो अब इसमें
जो सीरीज है उसमें मेरे को एक चीज आती है सिर्फ कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सीरीज में क्या रहता है, सेम, मतलब जितना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इसके अंदर होगा उतना ही इसके अंदर होगा, उतना ही टोटल होगा। तो इसके अंदर टोटल प्रेशर पी गिवन था, पर सीरीज में मेरे को मानना पड़ा एक ट्यूब में P1 एक ट्यूब में P2। तो पहली ट्यूब के अंदर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला लगा लो, पाई बाई 8 P1 R4 बाई ईटा एल। फिर दूसरी में लगा लो पाई बाई 8 P2 R बाई 2 का 4 बाई ईटा एल, और दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। फर्क ये है कि मेरे को तो पी गिवन है और मैंने फिर से P1 P2 खुद एज्यूम किया है, और पी होता क्या है, P1 प्लस P2। तो काम करते हैं, यहां से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो P2 किसके इक्वल हो जाएगा, 16 टाइम्स P1। टोटल प्रेशर P क्या था, P1 प्लस P2, और P2 क्या है, 16 इंटू P1। तो यहां से P1 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ P, तो P1 निकालिए इन टर्म्स ऑफ P। तो आपको इस ट्यूब में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड नया निकालना है, क्या होगा, आप कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर लें, चाहे ये यूज करें चाहे ये यूज करें, आंसर तो सेम ही आएगा, सीरीज में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम रहता है। तो आपने ये ट्यूब ले ली, इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, पाई बाई 8 P1 R4 बाई ईटा एल। आप एक काम करें, इस P1 की जगह पुट कर दें P/17, 1/17 बाहर आ गया। ये जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, V। तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, V, V/17 आंसर है। मतलब रूल नंबर वन, पहले फर्स्ट ट्यूब ली बस जो गिवन था उसका V साइड पे निकाल लिया एक, फिर इसी प्रेशर हेड में दो ट्यूब ले ली, दोनों में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड को इक्वेट करके प्रेशर का रेशियो निकाल लिया, प्रेशर का रेशियो निकाल लिया। फिर इसके अंदर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड में ये फॉर्मूला लगाया और P1 को पुट कर लिया P/17, तो 1/17 बाहर आ गया और आपका वो आंसर V है, तो V/17 इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। जैसे फिर से कह रहा है, अब सेम क्वेश्चन पैरल में करके दिखाओ, पैरल के अंदर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम नहीं रहता, एक का रेडियस आ रहा है, एक का R/2 है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड पहली पाइप में इतना दूसरी में इतना अलग अलग है, लेकिन हाँ टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पैरेलल में होता क्या है, V1 प्लस V2। तो V1 V2 निकाल चुके हैं, ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड ऐड करके आपके पास ये आंसर आएगा, पर इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आप V निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, V, ये देखो ऊपर निकाला था ये पूरे का पूरा V, तो इसकी जगह पूरा पुट कर देंगे V, तो आंसर क्या आएगा, 17/16 इंटू V। तो इस तरीके से पाइप के क्वेश्चन अगर आए तो कैसे सॉल्व करने हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। ये टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन है, इसको पढ़ो टर्मिनल का। Sphere is dropped under gravity through a fluid of viscosity eta. एक sphere को ना liquid में गिरा दिया with eta. Taking average acceleration as half of initial acceleration. अब चक्कर क्या है, एवरेज इनिशियल चक्कर क्या है, देखो जब आपने स्फेयर को हाथ में पकड़ा हुआ था और जैसे ही छोड़ा, आज हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किया, वेट इसको नीचे लेके आएगा और अब थ्रस्ट इसको ऊपर लेके जाएगा, शुरू में वेलोसिटी जीरो थी तो ये विस्कस फोर्स जीरो थी, तो ये बड़ा था वेट अपथ्रस्ट से तो ये एक्सलरेट करेगा, और अगर मैं कहूँ इनिशियल एक्सलेशन निकालो तो इनिशियली वी क्या है, जीरो, फोर्स क्या है विस्कस, जीरो, तो एम जी माइनस यू क्या आएगा, अपथ्रस्ट। तो वेट में बॉडी की डेंसिटी, अपथ्रस्ट में लिक्विड की डेंसिटी, इन दोनों का डिफरेंस इज एम जी एम ए, वेयर एज इनिशियल एक्सलेशन, क्यों, क्योंकि मैंने विस्कस फोर्स को क्या लिया, जीरो। पहला स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आ रहा है, इनिशियली का मतलब जब वेलोसिटी जीरो थी,
तो दो ही फोर्सेस थी, वहां से इनिशियल एक्सलेशन आ गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर में वी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब एक्सलेशन हर इंस्टेंट पर चेंज होगी, कम 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 और फिर फाइनली जीरो, एंड द बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि एक टाइम पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी है और एक्सलेशन को तो जीरो होना ही है, लेकिन उस दौरान हर इंस्टेंट पर एक्सलेशन चेंज करेगी। और अगर मैं कहूँ कि एवरेज एक्सलेशन निकाल दो, तो एवरेज एक्सलेशन निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, काइनेमेटिक्स लगा दो पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी में एक्सलेशन कॉन्स्टेंट मान लो, तो जब बॉडी चली थी तो वेलोसिटी जीरो और थोड़ी देर बाद क्या अटेन करगी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो वी टी इज जीरो प्लस ए डैश टी, वेयर ए डैश इज एवरेज एक्सलेशन। तो मैं ये समझा रहा था कि इसमें एवरेज एक्सलेशन क्या चीज़ है, एवरेज का मतलब कॉन्स्टेंट एक्सलेशन जो काइनेमेटिक्स से निकलती है, इनिशियल का मतलब जो मैंने निकाली वहाँ से। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियल की एवरेज एक्सलेशन हाफ थी इनिशियल एक्सलेशन, जो एवरेज एक्सलेशन है वो इनिशियल एक्सलेशन का हाफ है। शो दैट टाइम टेकन टू अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड डेंसिटी, तो कितने समय के बाद टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी वो प्रूव करो कि लिक्विड की डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो मैंने समय तो निकाल ही लिया ना, ये टी टाइम है जब बॉडी ने क्या अटेन की, टर्मिनल, जीरो से टर्मिनल हो गई और टी टाइम में हुई। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज एक्सलेशन हाफ द इनिशियल, तो ए डैश की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ए बाई टू, और इनिशियल एक्सलेशन ऊपर हम निकाल चुके हैं, इसकी जगह ए की जगह पुट कर देंगे, तो डेंसिटी डेंसिटी सब कैंसल, जो टाइम आएगा उसमें सिग्मा नहीं आ रहा, इसका मतलब लिक्विड की डेंसिटी पे टाइम डिपेंडेंट नहीं है, यही आपको प्रूव करना था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिक्विड की डेंसिटी। मतलब मेन चीज़ है कि कैसे मैंने इनिशियल एक्सलेशन निकाली, कैसे मैंने एवरेज निकाली, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एवरेज में तो काइनेमेटिक्स लगा दो, एवरेज आ जाएगी, और इनिशियल में एफ को क्या पुट कर दो, जीरो, तो वहां से जो एक्सलेशन आएगी उस इंस्टेंट पर वो इनिशियल एक्सलेशन होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ, वो तो नहीं आया, ये वाला तो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एबीसीडी, नीट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। क्वेश्चन देखें, बल्क मॉडल्स का क्वेश्चन है, लेकिन
सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, मतलब दबाओगे तो दब जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बल्क मॉडुलस है, कंप्रेसिबिलिटी है, सराउंडेड बाय अ लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो वो कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में लिक्विड डाल के इस बॉल को डाल दिया, मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए, इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया, फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड कवरिंग एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, व्हेन अ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द पिस्टन टू कंप्रेस द लिक्विड फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कहानी लंबी है, लाइनें लंबी हैं, अंदर कुछ नहीं है। ये रहा आपका सिलेंडर, ये रहा पिस्टन, ये रही बॉल, अंदर है लिक्विड, इसके ऊपर मास एम रखा, फोर्स क्या लगाई, एम जी, पिस्टन दबा, बॉल कंप्रेस हो गई। कह रहा है बॉल जब कंप्रेस हुई तो डी आर बाई आर बोलो कितना होगा, रेडियस में फ्रैक्शन चेंज होगा ना, रेडियस कम हो जाएगा, तो डी आर बाई आर क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, ये निकालो। सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये किसकी एप्लीकेशन लगती है, बल्क मॉडुलस। फॉर्मूला किसका लगेगा, बल्क लगाओ, बल्क मॉडुलस क्या है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर की जगह फोर्स बाय एरिया पिस्टन लगा रहा है, डेल्टा वी बाय वी की जगह डी वी बाय वी। ठीक, आंसर नेगेटिव में है नहीं तो मैंने भी मैग्नीट्यूड ले लिया। अब इसमें ये जो स्टेप्स मैंने किए हुए हैं, ये वाले यहां से लेके ये सारे के सारे, कोई जरूरत नहीं है इसको क्रॉस कर दो, एक शॉर्टकट कराता हूं। इसमें आपको डी वी बाय वी तो निकालना नहीं है, आपको डी आर बाय आर निकालना है ना। आप एक काम करो, अब वॉल्यूम को साइड पे लिखो, 4/3 πr³ लिख लिया आपने, एरर का रूल लगा दो। क्या है एरर का रूल, डेल्टा वी बाय वी इज 3 × डेल्टा आर बाय आर। सही है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, डी वी बाय वी इज इक्वल टू 3 × डी आर बाय आर। सिंपल, डी वी बाय वी 3 × डी आर बाय आर, यही तो मैं कह रहा हूं, डी वी बाय वी इज 3 × डी आर बाय आर। ठीक है यहां तक, तो यहां से डी वी बाय वी निकाल लिया आपने। सही है, मतलब ये स्टेप लंबा किया मैंने, और जो कि एक दो लाइन में खत्म हो सकता था। तो डी वी बाय वी इन टर्म्स ऑफ डी आर बाय आर निकाल, क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को बल्क मॉडुलस में डी वी बाय वी चाहिए ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए, डी आर बाय आर चाहिए। समझ में आ रहा है यहां तक, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां पर बल्क मॉडुलस में फोर्स की जगह एम जी, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, डी वी बाय वी की जगह डी आर 3 × डी आर बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी आर बाय आर निकालने, आंसर आ गया, आसान है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है ये देखो, इंपॉर्टेंट है ग्राफ का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ध्यान आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। और क्या कह रहा है कि एक बॉल फॉल कर रही है किसी विस्कस लिक्विड में, और उसकी जो फोर्स है वो माइनस के इंटू वी लग रही है,
अब फोर्स माइनस केवी का मतलब, माइनस का मतलब अपोजिंग फोर्स है। तो सोचो जब एक स्फेयर पानी में या लिक्विड में नीचे गिरेगा तो फोर्स अपोजिंग है, जैसे 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा हटा दिया जान के इसकी जगह के लिख दिया ताकि लोगों को लगे कि नया क्वेश्चन हो गया, जबकि ये फॉर्मूला कौन सा था, 6 पाई ईटा आर वी, अपोजिंग फोर्स है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा जब एक स्फेयर पानी में गिरता है या लिक्विड में गिरता है तो विस्कस फोर्स एड करती है 6 पाई ईटा आर वी, उसने जान के 6 पाई ईटा आर वी की जगह के लिख दिया, नहीं तो लोगों को ये रटा पड़ा होगा ना, अब ये नया लग रहा है, नया क्वेश्चन बन गया, लेकिन है ये विस्कस फोर्स ही 6 पाई ईटा आर वी वाली। तो फोर्स की वैल्यू अपोजिंग कितनी है, केवी। तो यानी कि इनिशियली जब वेलोसिटी जीरो थी तो फोर्स नहीं लगेगी, जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फोर्स लगती जाएगी। तो कह रहा है ये बताओ थोड़ी देर के बाद टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाएगी मानते हो, और ग्राफ बताओ कैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का वेरिएशन शो करेगा। वेलोसिटी का बोलो क्या होगा, जब मेरे हाथ में स्फीयर है वेलोसिटी का इनिशियल जीरो, इंक्रीज 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 एंड इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बाद तो इंक्रीज नहीं होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज 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 कॉन्स्टेंट। एक दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनिशियली तो जीरो मैक्सिमम थी, जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन जीरो, तो जैसे जैसे टर्मिनल अटेन करेगी एक्सेलरेशन कम 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 कम, बहुत देर के बाद क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये इसकी ग्राफ की वेरिएशन है जो आप याद कर सकते हैं इसे, तो ये इसका ग्राफ है। नॉन मेडिकल वाले देखेंगे, मेडिकल की जरूरत नहीं, बस हो गया उनका खत्म वो। इसलिए अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आया, बहुत आता है, तो इंटीग्रेशन तो प्लस टू में मैथ्स के टीचर करवा देंगे, तो कॉन्सेप्ट समझे। जैसे आपने स्फीयर को डाला था लिक्विड में तो एम जी वेट उसको नीचे लेके आ रहा है, और अकेली फोर्स जो ऊपर एक्ट कर रही है वो अब थ्रस्ट लेने को बोल ही नहीं रहा, सिर्फ माइनस के वी ले रहा है, तो माइनस के वी इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम ए आ गया, एक्सेलरेशन क्या है डी वी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई, और जीरो से वी जीरो से टी इंटीग्रेट कर दिया। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग के अंदर आएगा, लॉग को जब सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आएगा। तो ये सब मैथ्स में सिखा देंगे आपको, मेडिकल नहीं करना। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करके, वो अगर वेलोसिटी की वैल्यू पूछ ले तो वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल है। ये ग्राफ मैथ्स में एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, पर जो मैथमेटिकल जो इसकी वैल्यूज कैसे यूज की हुई हैं, इंटीग्रेशंस कैसे हैं, वो अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपको ये स्टेप सब समझ में आएंगे। सर प्लस टू इंटीग्रेशन करने में आपको तो यही समझना पड़ता है बस, उसके बाद तो अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। क्लियर है यहाँ तक?